एक्टिविटी आपको बनती हुई दिख रही है। आइए टाटा पावर इस पर एक अपडेट देना है आशु सर को, उनकी कॉल भी थी, आशु सर ने बेयर स्प्रेड भी बनाया था। आशु सर बताएं टाटा पावर क्या अपडेट रहेगा, स्टॉक आज हल्के एक्शन में एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। पांचवी एग्जैक्टली वही चीज जो सुबह के डिप के बाद, ये एक ऐसा स्टॉक है जो जिस पे रिवर्सल आया, मॉर्निंग डिप पे कुछ बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, और ये कल से अभी 10 मिनट में जो अभी ये मार्केट न्यूज के चलते गिरी है उससे थोड़ा सा ऊपर आके खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि मैंने भी ट्वीट भी डाला, इसका अपडेट दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उस भाव से ऊपर आना मतलब बहुत मजा नहीं आएगा, 15-20 दिन के लिए थोड़ा सा मार्जिन फंसा रहेगा। 5 रुपए की कॉस्ट में था, अभी भी 5.5-6 रुपए है, मतलब 25-50 पैसे बनी रहे होंगे पर लॉट, बट वो मजा नहीं है दीपांशु के, मार्जिन भी स्टक रखो। तो मुझे लगता है टाटा स्प्रेड पावर के स्प्रेड से निकल जाना चाहिए, और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उस दिन कुणाल जी का आशीर्वाद और पूरा प्यार नहीं मिला, उन्होंने 410 का बोला था सपोर्ट है और लोअर एंड ऑफ सपोर्ट है, आज सुबह 410 के अराउंड से ही वहां से पलटा है। तो मुझे लगा कि मतलब अननेसेसरी पंगा क्यों लेना चाहिए कुणाल जी से, और वो भी जब उन्होंने लेवल बताए हैं। तो टाटा पावर में कुछ आनी जानी अभी नहीं हुई है, मतलब ब्रोकरेज निकल के कुछ पैसे आ ही रहे होंगे क्लाइंट्स के या किसी के भी या व्यूअर के जिससे बनाए हैं, तो टाटा पावर स्प्रेड से एक बार निकल जाना चाहिए। यह है आपके लिए टाटा पावर, जहां पर अपडेट आ रहे हैं इस समय आशीष सर की तरफ से कुछ ज्यादा खास एक्शन में दिख नहीं रहा है, उतार चढ़ाव के साथ ही